पुलिस ने गिरफ्तार किए जेसीबी का भारी भरकम रॉक ब्रेकर चुराने के दोनों आरोपी। पुलिस थाना संगड़ाह की स्पेशल टीम ने कुल्लू के भुंतर से अरेस्ट किया मुख्य आरोपी। दोनों आरोपियों के साथ साथ चोरी हुए 5,20,000 के रॉक ब्रेकर को भी पुलिस चौकी द्वारा धर लाया गया। दिनेश चौहान ने 1 जून को दर्ज करवाई थी रॉक ब्रेकर चोरी होने की शिकायत। इससे पहले नौराधार के समीप से करीब 10 टन वजनी 5,30,000 की सरकारी पाइपें भी हुई थी चोरी। जेसीबी मशीन के करीब 4.25 क्विंटल के भारी भरकम रॉक ब्रेकर चोरी के दोनों आरोपियों को पुलिस द्वारा आज गिरफ्तार किया गया और साथ साथ चोरी हुए करीब 5,20,000 कीमत के ब्रेकर को भी रिकवर किया गया। गत 1 जून को नौराधार निवासी दिनेश चौहान द्वारा अखरोट फार्म नामक स्थान पर स्थित एक आश्रम में रखा गया उनका ब्रेकर चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई गई थी और इसके बाद संगड़ा पुलिस थाना स्तर पर इस चोरी को ट्रेस आउट करने के लिए विशेष टीम गठित की गई थी। टीम में शामिल पुलिस चौकी नौराधार के एसआई राजेंद्र, एसपी संजय व आरक्षी थानेश्वर ने मुख्य आरोपी का पता चलते ही कुल्लू जिला के भुंतर में जानकारी के अनुसार दबिश देकर उसे अरेस्ट किया। 24 वर्षीय मुख्य आरोपी नौराधार तहसील के ही शिली बंगाड़ी गांव का रहने वाला है और स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार ज्यादातर समय वह घर से बाहर ही रहता है। इसके अलावा चोरी में इस्तेमाल हुई पिकअप के चालक छोटा गांव के करीब 23 वर्षीय एक अन्य युवक को भी इस मामले में शुक्रवार को पुलिस ने हिरासत में लिया और पिकअप के साथ साथ चोरी हुए ब्रेकर को भी रिकवर कर लिया। करीब 4.25 क्विंटल के बताए जा रहे भारी भरकम रॉक ब्रेकर की क्षेत्र में पहली बार हुई चोरी चर्चा में है और स्थानीय लोगों की माने तो आरोपी चोर ने आसपास के भोले वाले लोगों को यह कहकर ब्रेकर को पिकअप में रखने के लिए बुलाया कि उन्होंने खरीदा है। गौरतलब है कि इससे पहले नौराधार के समीप रखी गई जल शक्ति विभाग की करीब 10 टन वजन की जीआई पाइप भी गत मार्च माह में चोरी हो गई थी तथा पुलिस द्वारा कुछ ही दिनों में पाइपें रिकवर कर आधा दर्जन आरोपियों को कुरुक्षेत्र, सोलन व अन्य विभिन्न हिस्सों से गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले क्षेत्र में एक कंपनी के चलते मोबाइल टावर से बैटरी चुराने का मामला भी सामने आया था। हालांकि उस दौरान भी स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया था। एक तरफ जहां इलाके में चोर चोरी से बाज नहीं आ रहे हैं, वहीं पुलिस भी आधुनिक व पारंपरिक तकनीक के माध्यम से इनकी धरपकड़ में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। डीएसपी सगड़ा शक्ति सिंह तथा एसपी ओमापति जामवाल ने जेसीबी ब्रेकर चोरी के आरोपियों को गिरफ्तार करने की पुष्टि करते हुए कहा कि इस बारे तहकीकात जारी है। बहरहाल एक तरफ जहां क्षेत्र में भारी भरकम रॉक ब्रेकर चोरी होना चर्चा में है, वहीं लोग चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम की भी सराहना कर रहे हैं।